अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ, आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाली हूँ वो मुझे लगता है कि हर घर की ज़रूरत है और हर बंदा चाहता है कि वो परफेक्ट रोटी बना सके। जी हाँ, आज मैं आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ रोटी बनाना नहीं, आटा गूंदने से लेके रोटी बनाने तक का मैं एक एक स्टेप बताऊँगी, फॉलो करें। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आटा लिया है। आटे में नमक और मैं तेल ज़रूर ऐड करती हूँ। आप एक बड़ा चम्मच भर के तेल ज़रूर ऐड करें और फिर आटा गूंदें। इससे ये होता है कि आपका आटा अच्छा गूंदता है और आपकी रोटी नरम बनती है। जी हाँ, नरम रोटी बनाने का ये बहुत अच्छा जो है टिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। जो है आप ऑयल ज़रूर मिलाएं, कोई भी ऑयल मिलाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप आटे में नमक पानी जो है मिक्सर भर के ना डालें। आप पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके डालें। उससे ये होता है कि आप जो थोड़ा पानी जब ऐड करते हैं आटे में, तो आप आटे के साथ पानी अच्छे से मिक्स होता है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो बहुत अच्छा बाइंड होता है और आप इजीली भी जो है ना आटा गूंद सकते हैं। देखिए, मैं पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। इससे ये कि आटे की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और बाइंडिंग अच्छी होगी तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। जितने अच्छी बाइंड होगी, जितना अच्छा आटा पानी के साथ मिला होगा, गूंदा हुआ होगा, मिक्स हुआ होगा, यकजा हुआ होगा, तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, मैं जिस तरीके से मैं आटा गूंद रही हूँ, आप लोग भी कोशिश करें आटा इसी तरीके से गूंदें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करें। और ये कि आटा नॉर्मल गूंदें, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, नॉर्मल आटा गूंदें और बहुत अच्छी तरीके से गूंदें कि आटा यकजा हो जाए पानी के साथ। ये देखिए, मेरा आटा कितनी अच्छी तरीके से गूंदे और ये देखिए कितनी अच्छी, जैसे मुखिया जिसे कहते हैं ना, पंचिंग करना कितनी ईजिली हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है, जितना पानी उसको ज़रूरत है उतना किया है। ज़्यादा अगर हो जाता तो वो चिपकता और अगर पानी कम होता तो ये बहुत हार्ड हो जाता। अच्छा, एक और टिप मैं ऐड कर रही हूँ कि जब इसको लास्ट आप पंचिंग कर रही हो, मुठियाँ लगा रहे हो, तो आप थोड़ा सा अपने हाथों पर जो है ना तेल लगा लीजिएगा। तेल लगाने के बाद तेल जो है हाथों पे लगाएं और लास्ट उसकी मुठियाँ लगाएं, तो आपका नरम रहेगा और ऊपर जो एक जो सख्त सी जो लेयर बन जाती है वो आपके बिल्कुल नहीं बनेगी। और वैसे भी वेदर अभी बहुत चेंज हो गया है, ड्राई वेदर हो गया है, तो रोटी जल्दी खुश्क हो जाती है। तो इससे ये होगा कि आपकी रोटी जल्दी खुश्क नहीं होगी, उसमें मॉइस्चर रहेगा, ऑयल का, पानी का नहीं, ऑयल का मॉइस्चर रहेगा। तो उससे ये कि आपकी रोटी नरम रहेगी। भी लास्ट में पंचिंग करी हुई, देखें आटा कितना बेहतरीन गूंदा है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये एक नॉर्मल आटा गूंदा है। जितना अच्छा आपका आटा होगा आप उतनी रोटियाँ आपकी अच्छी बनेंगी। अच्छा, आटा गूंदने के बाद आप लाजमी 10 से 15 मिनट जो है ना आटे को रेस्ट दें। सर्दी का मौसम है तो आप इसको आधा घंटा भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में आप 15 मिनट से ज़्यादा ना दें, क्योंकि आटा फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, वो बहने लगता है, फिर वो रोटी जो है ना शेप में नहीं बनती है। देखिए, आटा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसके पेड़े बना सकते हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ी रोटी नहीं बनाती, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा, मैं एक दरमियाने साइज़ की रोटी बनाती हूँ। देखिए, मैंने जो है मेरा आटा कितना अच्छा गूंदा हुआ है कि मुझे हाथ में खुश्की लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मैंने इसमें पेड़ा लिया है और मैं पीले करके पेड़े बना के, मैं पेड़ा बनाने के बाद खुश्की पे इस पेड़े को रख के हल्का सा मैं प्रेस करती हूँ और इस तरह मैं साइड में जो है वन बाय वन पेड़ा जो है ना बनाकर मैं रखती रहती हूँ। ये देखिए, मैं वन बाय वन जो है ना पेड़े बना के सारे रख दूँगी। मुझे लगता है कि किसी को अगर रोटी बनानी आ गई ना, तो समझे कि उसको आधा खाना आ गया, क्योंकि रोटी हमें हर वक्त चाहिए, हर किसी को रोटी चाहिए, बच्चे से लेके बड़े अफराद तक को जो है ना रोटी चाहिए। तो आपको रोटी बनानी आनी चाहिए और रोटी बनाने के कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो कर लें तो यकीन करें रोटी आपके बाय हाथ का खेल है, चुटकी बजाती है आपकी रोटी। यकीन करें, ये जो रोटी मैं बना रही हूँ, मुझे ये पूरा तकरीबन मैंने 10 से 12 रोटियाँ आज बनाई हैं और वो यकीन करें 20 मिनट में मेरी आटा गूंदने से लेकर रोटी बन चुकी। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रिक्स मालूम है कि मुझे किस तरीके से आटा गूंदना है, आटा किस तरीके से हैंडल होता है, किस तरीके से मैं उसको ईजीली रोटी बेल के बना सकती हूँ। देखिए, आपके सामने ये पेड़े कितने खूबसूरत पेड़े जो है ना रेडी हो गए। अच्छा, अभी मैं पहली रोटी स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, पहली रोटी ली मैंने, इसको प्रेस किया और मैंने इसको हाथों से ही थोड़ा सा इसको फैलाया और अब मैं इसको बेल रही हूँ। अब ये देखिएगा कि मैं किस वक्त खुश्का लगा रही हूँ। मैंने इसको खुश्का लगा के मैं बेल रही हूँ। अब इस पॉइंट पर मैं एक दफ़ा और खुश्का लगाऊंगी और मैं अब इसको बेल करूँगी। बस ये एक ही दफ़ा खुश्का लगेगा और उसके बाद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटा बहुत अच्छा गूंद रहा है, दो बार खुश्का लग चुका है। इससे ना रोटी पर खुश्का लगेगा ना ज़्यादा चिपकेगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आटे रोटी जो है बेल रही है।
अच्छा मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो ये है कि रोटी को मैंने बेल लिया, अब जो है मैं एक काम करूँगी, इसको सीखने से पहले मैं जब जैसे हो जाएगी तो मैं दूसरा पेड़ा रेडी कर दूँगी, यानी इसको प्रेस करके रेडी कर दूँगी। ठीक है, अब मैं रोटी को तवे पे डाल रही हूँ। देखिए मैंने उठाई रोटी और मैंने तवे पे डाली। मैंने तवे पे डालने के बाद मैंने जो दूसरा पेड़े को जो मैंने हाथ से फैलाया था उसको मैं थोड़ा सा बेल के इतने में मेरी जो रोटी है वो एक साइड से हल्की सी सिक जाएगी। अब मैं इसको टर्न कर दूँगी और अब मैं इसको घुमाती रहूँगा, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा मैं पहले बता रही हूँ कि पहली रोटी जो है तवा बहुत ज़्यादा सिका हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मेरी रोटी का कलर चेंज होगा, लेकिन आप मेरी दूसरी रोटी देखिएगा वो बिल्कुल परफेक्ट कलर होगी। ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकने के बाद मैं इसको चूल्हे पे सेक रही हूँ। ये देखें ये हर तरफ से हर जगह पक चुकी है, सिक चुकी है और ये रोटी मेरी कितनी बेहतरीन रेडी हो गई है। अच्छा ये मैंने रोटी रख दी है, दूसरी जो है मैंने उसको हाफ डन करके रखा था, अब उस पर मैं लगाऊंगी खुशका। एक मैंने पहले लगा लिया था, दूसरी बार मैंने खुशका लगाया और देखिए अब मैं इसको बेल रही हूँ और ये रोटी कितनी अच्छी और आसानी से बेल रही है। गोल रोटी है, ना कहीं चिपक रही है, ना मुझे खुशी की ज़रूरत है, और ये मेरी रोटी बेहतरीन रोटी गोल रोटी रेडी। अब वही उसी तरीके से मैं तीसरा पेड़ा जो है उसको मैं रेडी करके रखूँगी जिस तरीके से मैं करूँ। इस तरीके से आप ये ट्रिक्स करें कि पहले इस तरह आपकी रोटी जल्दी भी बन जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको कितना सेकना है। इस जो तवे पे रोटी है उसको इतना ही सेकना है जिसमें हम इसको बेल रहे हैं इतना ही, और इसमें आपकी रोटी ये देखिए एक साइड से सेक रही है, ये दूसरी साइड से सेकनी है। अच्छा जब दूसरी साइड से सेकनी है तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, मुसलसल आप इसको घुमाते रहेंगे। आप घुमाते रहेंगे तो आपकी रोटी चारों तरफ से पक जाएगी और कलर डार्क नहीं होगा। अब ये देखिए मैं इसको चूल्हे पे सेक रही हूँ और ये कितनी बेहतरीन मेरी रोटी बनी। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो काइंडली लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। ये देखिए रोटी कितनी अच्छी रोटी बनी, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। अब वही मैं रिपीट कर रही हूँ, जो मैंने रोटी को हाफ डन करके रखा था मैं उसको बेल रही हूँ। देखिए आप रोटी को हाफ डन, पहले आप उसको हल्का सा रखें, उसके बाद उसको बेलें और उसको आप सेकें, इतने में दूसरी रोटी हाफ हो जाएगी, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रोटी अच्छी बनानी भी आ जाएगी और थोड़ा ठहर भी जाएगा। ये देखें रोटी मेरी कितनी अच्छी कितनी ईजी, और यकीन करें ये जो मैं जितने में मैंने इसमें कोई कट ऑफ नहीं किया, मैंने कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं किया, जैसे एज इट इज़ जैसे मैंने बना रही हैं और मैंने ऐसे ही अपनी वीडियो अपलोड की। तो आप खुद टाइम देख लें कि ये टाइम कितना टाइम लग रहा है, यानी मैंने चार रोटी जो बना ली है आपके उसमें मैंने 6 मिनट लगी होंगी, कितने मिनट लगेंगे, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अगर आपको रोटी बनानी आ जाए, आपको समझ आ जाए कि किस साइड को कितना सेकना है, पकाना है, बेलना है और उसको रेस्ट देना है, फिर आपके रोटी बनाना आपके दाएं हाथ का काम है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कितना फ़ायदा हुआ है। तो काइंडली आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी, आप लोगों के फीडबैक से बहुत हौसला अफजाई होती है। तो ये देखिए रोटी कितनी अच्छी बनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।